कुकिंग विद शिबिला में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं और आप लोगों के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये देखें कितना मज़े का चिकन पकौड़ा हमने रेडी किया है। अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और हमारे जो नए हैं व्यूवर्स वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं चिकन पकौड़ा। के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है और इसके लिए हमने हड्डी वाला और बोनलेस ये दोनों लिए हैं, ये देखें, ताकि चिकन पकौड़ा जो है वो अच्छे से बने, क्योंकि हड्डी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इससे ये देखें, इसको अब हम थोड़ी देर के लिए इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करके, और तकरीबन ये सिरका है मेरे पास, इसको 1 चम्मच इसके अंदर ये ऐड करेंगे, और इसको हमने मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे से 5 से 6 दफ़ा इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि जो सिरका और नमक है वो इसमें से निकल जाए, क्योंकि सिरके के अंदर खटास होती है, तो वो पानी से हमने इसको निकालना है। तो अब हमने इसको देखें नमक डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से सिरके के अंदर। अब हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। 10 मिनट बाद चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है। ये देखें कितना वाइट हो गया है, इसके अंदर जो खून था और नमक, ये देखें सिरका और नमक लगाने से जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है और खून भी अच्छे से साफ़ हो गया। अब बस हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के लिए ये देखें नमक, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही ये सुरख मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी, ताकि जो हल्दी जो है जब चिकन को हम अंदर से खाएं तो ये अंदर से, ये देखें अंदर से वाइट ना हो, और हल्दी से इसके अंदर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो अब हमने इसको तकरीबन फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ देना मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने एक कढ़ाही के अंदर पानी लिया है और इस चिकन को हम इस पानी के अंदर डालेंगे बॉईल होने के लिए। ये देखें इसको हम शामिल करेंगे। और बॉईल आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको बॉईल होने देना पानी के अंदर। उसके बाद हमने इनको निकालना है। 15 मिनट चिकन को हमने पानी के अंदर बॉईल किया है, और ये हाफ बॉईल हो गया है, ये देखें, ये देखें हमने पानी के अंदर इसको इसलिए बॉईल किया है ताकि जब हम चिकन को फ्राई करें मसाला लगा के, तो चिकन जो है वो हार्ड ना हो और क्रिस्पी बने। तो अब हम इनको निकालेंगे। ये देखें मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बॉईल किया, अब हम इसको निकालने लगे हैं। तकरीबन ये हाफ बॉईल हो गया है, सारे चिकन को हमने निकाल लेना है।
अब चिकन के अंदर जो मसाले जाएंगे इसकी कोटिंग के लिए, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर है ये लिया थोड़ा सा हमने, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून ले जाएगी। उसके बाद और ये इमली का पल्प लिया हमने, थोड़ा सा और डालूंगी, इसे चिकन के अंदर इमली का पल्प हमने इसलिए डाला ताकि चिकन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना, पानी की जगह पे हम ये दही है मेरे पास ये शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है। और मसाले को हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर चिकन पकौड़े के अंदर बेसन शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने बेसन को शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बिल्कुल पतली सी इसकी लेयर बनानी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमने ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं किया, इसकी पतली लेयर करेंगे। अब चिकन को हमने इसके अंदर मिक्स करना है और कोटिंग जो है वो थिक नहीं होनी चाहिए। ये देखें इस तरह हमने सारे मसाले को इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें हमने इसके ऊपर ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं की, तो हम अब इसके ऊपर हम ये हमारे पास तिल है ये ऊपर डालेंगे। ये देखें ऊपर से हमने थोड़े से तिल जो है ताकि चिकन पकौड़ा की खूबसूरती लगे। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल के इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया था और अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। एक एक करके हम इसमें चिकन डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह गर्म होना चाहिए, इसके बबल से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। ये एक एक पीसेस हम इसमें शामिल करते जाएंगे। इसको डालने के बाद, चिकन को डालने के बाद हमने आंच को स्लो करके इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है। चलें जी, अब हमने इसकी आंच को स्लो कर देना है ताकि इसके ऊपर 2 मिनट के बाद हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है। देखें हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है, अभी हमने आंच को स्लो किया हुआ है और स्लो आंच पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद निकालेंगे। चिकन पकौड़ा रेडी हो गया, अब हम इसको निकालने लगे हैं। ये देखें बाकी के चिकन को भी इसी तरह हमने निकाल लेना है। दूसरे चिकन को भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे।
चिकन पकौड़े को हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितनी मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। ये देखें कितना अच्छा कलर है इसका, और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी मज़े की, और अंदर तक गल चुका है और जूसी भी है। आई होप आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।